हाय गाइस, मॉर्निंग में अभी बजे हैं सुबह के 10:30 और मैं ले रही हूँ अपना मॉर्निंग मिल्क। और यहाँ पर मेरी छोटी जो है सो रही है, इसका नाम मामिका निकला है वैसे, तो ये सो रही थी अभी। गाइस, दिया का चल रहा है एग्ज़ाम। टेन अप बिफोर लिखो लिखो, 00 लिखना है वहाँ पर, 09 08। ठीक है, पहले लिख लो 8 7 क्वेश्चन नंबर 4। फार और नियर, विच वन इज फार, यू नीड टू टिक दैट, विच वन इज नियर यू। हाय गाइस, वेलकम बैक टू देयर चैनल। मैं हूँ पूनम, कैसे हो आप सब? और यहाँ देखो, मेरी बेटी का, बड़ी वाली का तो एग्ज़ाम चल रहा है, तो उसके पापा अटेंड करवा रहे हैं। बीच बीच में मैं जा रही थी और यहाँ पे ये भी मेरी उठ गई, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा अब इसके पास। तो ये देखो मेरी गुगलू को, और इसके पापा की कल तबीयत ख़राब हो गई थी, कल नहीं एक्चुअली परसों से ख़राब है। यहाँ पे 2 दिन से बारिश हो रही है शाम में, तो इसके पापा परसों शाम में थोड़ा बारिश होने के बाद, मतलब सामान वगैरह लेने के, थोड़ा सा ठंडा मौसम था, तो इनको अब ना कोल्ड एंड कफ पकड़ गया है, क्योंकि इन्होंने भी होली खेली थी, तो होली पे भी इन्होंने गीले होके आए थे। उस दिन मैंने आपको दिखाया था, दिया को भी जुकाम हो गया, तो इनको भी खांसी जुकाम हो गया है। और ये देखो, इसको गोदी में लेने से सो जाती है, नीचे रखते ही फिर उठ जाती है। देखो कितने बच्चे, बच्चों को कितनी समझ रहती है वो गोदी में। और ना, और यही है गाइस। और अभी मैंने अपना दूध तो ले लिया है, एंड दिया को नहलाया नहीं है, बिना नहलाए उसकी क्लास अटेंड करवाने की मम्मी के पास टाइम नहीं होता है मॉर्निंग में उसको नहलाने का। वो उठती भी लेट से, 10:15 बजे उठी, 11 बजे उसका पेपर स्टार्ट हो जाता है, तो मुँह धोती है, बाथरूम जाती है, ब्रश करती है, इतने में ही दूध पीती है, टाइम हो जाता है, 11 बज जाते हैं। तो अभी इसको क्लास अटेंड करवा के उसके बाद उसको नहला देंगे। पेपर है 10-15-15-20 मिनट में पेपर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद उसको नहला देंगे। और आज इसको सिर्फ स्पंज बाथ देना है, कल मैंने इसको बाथ करवाया था, तो आज मैं इसको सिर्फ स्पंज बाथ दूंगी। एंड मैं बाहर के तो टेक नहीं ले पा रही हूँ, जो मैं यहाँ बैठी हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, जैसा भी है जो भी है। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। दिया ये भी गाइस, दिया क्या खा रही है? दिया खा रही है ऑनियन परांठा विद कर्ड, और साथ में ये चल रहा है इसका मोबाइल। गाइज, पहले मैंने चुटकी को रेडी किया है गाइज, अब मैं इस दियोरानी को रेडी कर रही हूँ, फिर खुद जाऊँगी रेडी होने। बस ऐसे ही दिन निकल जाएगा 2 बच्चों के साथ, एक को रेडी करो फिर दूसरे को रेडी करो। और यहाँ पे अभी इसको मम्मी ने नहलाया है, एंड मैं इसको रेडी कर रही हूँ। और ये देखो, इसको सुलाया है मैंने, फिर से उठना शुरू हो गया इसका। थोड़ा सा अभी बाहर से बर्तन की कोई आवाज़ आती है ना, थोड़ा सा अभी मम्मी बर्तन निकाल रहे हैं, मेट धो के गई है मॉर्निंग में, तो मम्मी अब निकाल रहे हैं। और थोड़ा सा भी गेट खुलता है या मम्मी का साउंड आता है या किसी का भी कोई साउंड आ जाता है ज़ोर से बोलने का, या ये थी अब बोलती, एकदम से उठ जाती है, ऐसे आंखें खोल लेती है, देखो फिर आंख बंद कर लेगी, फिर खोल लेगी, थोड़ा सा साउंड आते फिर खोल लेगी। थोड़ा सा 2 बच्चों के साथ दिन निकालना बहुत मुश्किल है, इतना हेडेक हो गया ना, इतना सिर में दर्द हो गया मेरे को, कल भी इतना सिर में दर्द था, पूरा शरीर में जैसे कंप कंप भी छूट रही थी। तो फिर मैंने डॉक्टर से पूछ के डोलो वाली टैबलेट ली, आज फिर मुझे लग रहा लेनी पड़ेगी, सिर आज फिर बहुत ज़्यादा दुख रहा है मेरा। एक तो ये नहीं सुनती है मेरी बात, बिल्कुल नहीं सुनती है आजकल, इसने मेरी बात सुनना ही बंद कर दिया है, चिल्लाती रहती हूँ मैं, दिया दिया दिया, बहुत गंदी बच्ची बन गई है ये तो, है ना दिया, नहीं सुनते हो ना आप मेरी बात, इसलिए तो मेरा सिर दुख रहा है। कहाँ सुनते हो, सुनते ही नहीं हो। हाँ तो मुझे शोर नहीं आता है ना आवाज, इसलिए टीवी चला के बैठती हूँ ना मैं, तो मुझे आपकी आवाज नहीं आती साउंड। तो आप सुनेगी? सुनूंगी। ठीक है, आप भाई दिया बोल रही है मेरी बात सुनेगी, नहीं सुनेगी ना तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि दिया मेरी बात नहीं सुनती है। थोड़ा तो आप पापा तो टीवी
नीचे और फिर तो साउंड ही नहीं होता है। तो चलिए गाइज मैं इसको कर देती हूँ रेडी, इसकी पोनी वोनी करवा के देन इसको खाना भी खिलाना है, मुझे नहाना भी है, मुझे भी खाना खाना है। और ये तो मैं ये दो काम अपने निपटा लूँ, जब तक मिलती हूँ आपसे शाम में। तो गाइज मैं रेडी होगी, यहाँ दिया भी मेरी रेडी है, वो सो रही है, हम लोग खा रहे हैं अपना खाना, लौकी की सब्जी, रोटी, थोड़ा सा सलाद, थोड़ी सी धनिए की चटनी, और दिया के लिए बना रहे हैं मम्मा ओनियन परांठा, फिर से इसको रोटी और सब्जी नहीं खानी है। चलिएगा इन खाने के बाद आपको मिलते सीधा शाम में। हाय गाइस, मैं आपसे मिल रही हूँ सीधा शाम को, मतलब इवनिंग में, इवनिंग भी नहीं कह सकते, नाइट ही कह सकते हैं, 9:30 बजने वाले हैं। खाना मैंने खा लिया, अभी मैंने दाल फुल्का खाया, या को मैंने खिला दिया, और इसको आज पूरा दिन मैंने ब्लॉगिंग ढंग से की नहीं है, क्योंकि इसको ना पेट में दर्द हो रहा है, आज मेरी चुटकी को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, वामिका को पेट में, आप कुछ देख सकते हो कैसे मतलब अकड़ रही है पूरा शरीर, समझ में नहीं आ रहा क्या दूँ, डॉक्टर तो दवाई दे देंगे, लेकिन हम लोग ना घर में एक मतलब अजवाइन वगैरह ये सब पता नहीं क्या क्या सामान डालता है, सौंफ सौंफ का एक चीज़ बनाते हैं, वो दूध में डाल के इसको देते हैं, बट वो अभी तक नहीं बनाया है हमने, एक्चुअली वो नानी के घर से आता है, वो बनाया नहीं, आज उसको पूरा दिन पोटी नहीं आई है, वैसे दिन में 6-7 बार पोटी करती है, आज मॉर्निंग में 5 बजे की थी, उसके बाद नहीं की इसने, शायद अब ये थोड़ा जोर लगा रही है करने के लिए, मे बी अब कर ले, तो मैंने इसके पेट की थोड़ी मसाज भी की थी, और ज़्यादा नहीं की थी, हल्का हल्का पेट को ऐसे मालिश की तरह इसकी मसाज की थी, ताकि हाँ मुझे लग रहा है अब कर रही है, अच्छा इसका पेट खाली हो जाएगा ना, तो ये अभी जैसे अकड़ रही है अपने शरीर को, वैसे मोड़ तोड़ रही है, पेट दर्द कर रहा है, रो रही है, इसलिए मैंने आज पूरा दिन ब्लॉगिंग ही नहीं की, इसको संभालती रही पूरी नाइट में, इसको संभाल रही थी, नहीं सोया दिन में भी, पूरा दिन में नहीं सोई, इसको संभालने में लगी हुई थी, और मेरी ये देखो इसकी हालत देखो, इसका बाल देखो, जितना इसको अच्छे से सेटिंग करो ना इसकी, उतना ही ख़राब हो जाता है। एग्ज़ाम चल रहे हैं, शाम को ट्यूशन गई थी, ट्यूशन से आके अब इसको खाना वाना खिला दिया मैंने, और अब मस्ती करी, दिन में सोई नहीं, अब सुलाऊंगी ताकि कल इसका फिर एग्ज़ाम है, तो सुबह इसको जल्दी उठना भी है, और परसों इसका लास्ट ओरल का एग्ज़ाम है, उसके बाद एक दिन और स्कूल लगेगा, देन उसके बाद छुट्टियाँ हो जाएंगी इसकी, मुझे लगता है छुट्टियाँ ही, उसके बाद तो फिर इसका नेक्स्ट सेशन मई में स्टार्ट होगा, बट मैं इसकी ट्यूशन बंद नहीं करने वाली, क्योंकि हमारे साइड जब मैं जाऊँगी फ्लैट की साइड, तो वहाँ मुझे ट्यूशन टीचर क्या कैसी मिले नहीं मिले, इसका स्कूल भी मुझे चेंज करना है, ये स्कूल मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, इसका स्कूल भी चेंज करना, हमारे साइड इसका स्कूल लेना है, वहाँ पे भी अभी मैं थोड़ा सा ठीक हो जाऊँ तो हम लोग जाएँगे इसके लिए स्कूल देखने, कोई अच्छा स्कूल देखूँगा मैं जिसमें इसको मैं 10वीं क्लास तक एक ही स्कूल में रख सकूँ, कुछ अच्छा स्कूल ढूंढेंगे हम लोग वहाँ पर। एंड यही है गाइस आज का अपडेट, सो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, अच्छा लगा चैनल को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नए वीडियो में गाइस, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस। और जैसा कि मैंने आपको कल भी बोला था कि मैं बाहर के टेक्स नहीं ले रही हूँ, जहाँ मैं अंदर बैठी हूँ वही वाले टेक्स ले रही हूँ, जो भी मेरे बच्चों के साथ जो मैं कर रही हूँ, बैठी हूँ, जो भी है खा रही हूँ पी रही हूँ, बस वही आप लोगों के साथ आप लोगों को दिखा रही हूँ, जब मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊँगी तो आप फिर नॉर्मल व्लॉग्स जो मेरे होंगे वही आएंगे। सो गाइज आई होप कि अच्छा लगा होगा आप लोग, तो टेक केयर, बाय बाय गाइज।